नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होने के बाद आज लोकसभा चुनाव 2024 का सातवां चरण पूरा हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। बलिया में वोट देने के लिए लाइन में खड़ा व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जांच के बाद पता चला कि व्यक्ति की मौत हो गई है। सुल्तानपुर में पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही संयोगवश कुछ दिन बाद ही कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ फैसला आ गया। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाने में तैनात चौकीदार सीताराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना अध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय और उप निरीक्षक समेत थाने के सिपाहियों ने चौकीदार को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। अमेठी में दो लोगों की अचानक मौत होने से स्थानीय लोगों का मानना है हीट वेव की वजह से हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। शासन ने एडवाइजरी जारी की है भीषण गर्मी को देखते हुए दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलने से परहेज करें। अमेठी में जामो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राम सागर सिंह को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। अमेठी में नौना थाना के सुकुल बाजार सड़क पर संदिग्ध अवस्था में अनिल कुमार का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में जायज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित लाल प्रताप, भगवान दीन और राम बाबू को गंगागढ़ चौराहे के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया। जौनपुर में बरसठी थाना पुलिस ने बलात्कार के मुकदमे में वांछित अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ रवि को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। जौनपुर में रामपुर थाना पुलिस ने दहेज हत्या के 4 आरोपियों को कुंभापुर गेट के पास से गिरफ्तार करते न्यायालय के सामने पेश किया। जौनपुर में बदलापुर थाना पुलिस टीम ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अफसर उर्फ जैद को पूरा मुकुंद हाईवे के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बहराइच में थाना जरवल रोड पुलिस ने सार्वजनिक रूप से जुआ खेलते हुए 3 अभियुक्त गुड्डू, विजय और शिवलाल को गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया। बहराइच में थाना जरवल रोड पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त कन्हई पाल को गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया। बहराइच में मटेरा थाना पुलिस ने 50,000 रुपए की लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया। बहराइच में फकरपुर थाना पुलिस ने अभियुक्त लड्डू और शहरू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों के पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बाद उनको न्यायालय के सामने पेश किया गया। लखीमपुर खीरी में अलग अलग इलाके में आंधी तूफान और बारिश की वजह से दीवार और पेड़ गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है और नियमानुसार कार्रवाई करने को आश्वासन दिया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook के माध्यम से जुड़े तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।